रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हमें अनगिनत प्रेरणादायक कहानियां देती है। इनमें से एक कहानी है भगवान श्रीराम की वनवास और सीता माता की खोज। भगवान श्रीराम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे अपने गुणों और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन रानी कैकेयी ने अपनी दो वरदानों के तहत राजा दशरथ से राम को 14 साल के वनवास पर भेजने की मांग की। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने वचन का पालन किया। राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए वनवास स्वीकार किया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य का पालन किया और वन की ओर प्रस्थान किया, और सीता माता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। सीता माता ने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया और लक्ष्मण ने अपने भाई की सेवा करने का। इस प्रकार तीनों ने मिलकर वनवास की कठिनाइयों का सामना किया। वन में रहते हुए राम और सीता का जीवन सुखमय था, लेकिन एक दिन सीता माता का रावण ने हरण कर लिया। रावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर सीता को अपने रथ में बिठा लिया और लंका ले गया। राम और लक्ष्मण ने सीता को खोजने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया और अनेक राक्षसों से युद्ध किया। इस दौरान उन्हें हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना का साथ मिला। हनुमान ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से राम और लक्ष्मण की बहुत मदद की। हनुमान की मदद से राम ने सीता का पता लगाया और रावण से युद्ध किया। इस महायुद्ध में राम ने रावण को पराजित कर सीता को मुक्त कराया। इस प्रकार सत्य और धर्म की विजय हुई। इस युद्ध में राम ने अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किया, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और रणनीति से भी रावण को पराजित किया। राम ने हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लिया और अपने साथियों को भी सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और सीता माता को वापस लाया। यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि यह सत्य और धर्म की विजय थी। राम ने अपने प्रेम और समर्पण से सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त कराया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलते हुए हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। धैर्य, समर्पण और सही मार्गदर्शन से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। राम ने अपने धैर्य और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार रामायण की यह कहानी हमें अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा विजय होती है।